हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विन। वेलकम टू अधिगम मंच। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की जो सीटेट हुआ है, ठीक है, उसका पेपर फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट की यदि हम बात करें तो CDP डिस्कस करेंगे, ठीक है। आंसर की के साथ साथ कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर करेक्ट रहने वाला है, उसके साथ साथ हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं, ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे CDP वाला पोर्शन करेंगे और ये रहा आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन। ये पेपर फर्स्ट है, सेट बेशक कोई सा भी हो, आप क्वेश्चंस के थ्रू अपने अपने आंसर टिक कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि CDP में 30 में से आपने कितने मार्क्स प्राप्त करे हैं, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन रहेगा बेहतरीन तरीके से, अब तक आपने जितने भी डिस्कशन देखे हैं, ना सिर्फ हम आंसर टिक करेंगे यहाँ पे, प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक आंसर का एक रीजन और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। यदि हम अधिगम लर्निंग की बात करें तो कौन सी एक धारणा जो है वो एकदम उपयुक्त है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एबिलिटी इज इम्प्रोवेबल, योग्यता सुधार्य है। किसी भी बच्चे की जो योग्यता है, यदि हम अधिगम की बात करें, सीखने से संबंधित बात करें, तो उस बच्चे की कितनी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी के अनुसार उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसकी योग्यता, उसकी जो एबिलिटी है, उसे प्रशिक्षण द्वारा, अधिगम के द्वारा, ठीक है, विशेष ट्रेनिंग के द्वारा उसे सुधार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बाकी सभी की बात करें तो वो सभी हट जाएंगे। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर टू की यदि हम बात करें तो निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। किसी बच्चे के यदि हम कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो कौन सी एक परिपाटी है, ठीक है, जिसके थ्रू हम बच्चे के कॉन्सेप्चुअल यानी कि संकल्पनात्मक समझ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धा, या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, या फिर बारंबार परीक्षाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये रहा इंक्वायरी एंड डायलॉग। यदि हम अन्वेषण के लिए और संवाद के लिए बच्चे को अभिप्रेरित करते हैं, इनक्रेज करते हैं, तो वो उसके लिए, उसके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बाकी सभी, यदि आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ लगाया है तो वो आपका गलत रहने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस आंसर की के थ्रू आप बिल्कुल देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और कितने मार्क्स आप अटेम्प्ट करके आए हैं, कितने नंबर आप प्राप्त करने वाले हैं CDP में, वो चेक कर सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन। बच्चों के लिए जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कठिनाई होती है, जब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है, किस स्थिति में बच्चे के सीखने में कठिनाई रहेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया गया हो, या फिर सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, या फिर अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, तो फ्रेंड्स किस में कठिनाई महसूस होगी, बच्चों को सीखने में सबसे ज़्यादा कठिनाई कहाँ पे महसूस होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अलग अलग टुकड़ों से यहाँ पे मतलब है कि एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन का संबंध दूसरे इन्फॉर्मेशन से यदि नहीं होगा, सीक्वेंस में नहीं होंगी, ठीक है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं होंगे, अंतर संबंधित नहीं होंगे, तो बच्चा बोरियत महसूस करेगा, कुल मिला के वो सीखने में कठिनाई महसूस करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट होता है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड, थोड़ा फास्ट चलेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम आंसर के डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलेंगे। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है। कौन सी एक अवस्था है जो अधिगम के लिए सर्वोत्तम है। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, या फिर उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय, या फिर संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 की यदि हम बात करें तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि मॉडरेट
अराउजल, नो फियर। यदि किसी बच्चे को अधिगम यानी कि सीखते समय या सिखाते समय बच्चे के जो उत्तेजना है, अराउजल है, बिल्कुल संतुलित है, बैलेंस्ड है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें उसे कोई किसी तरह का भय नहीं है, व्यवधान नहीं है, कठिनाई नहीं है, तो बच्चे का जो अधिगम प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी, सहज प्रक्रिया चलती रहेगी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4th बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि संज्ञान की संरचना में है, अधिगम का जो संरचनात्मक विचार है यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट जो व्यू है लर्निंग का, वो किस चीज़ को सजेस्ट करता है? बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर हो रहते हैं, यानी कि यदि हम रचनावादी अप्रोच की बात करें तो उसमें बच्चे पाठ्य पुस्तक पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं रहती, या फिर बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर होते हैं, या फिर हम बात करें बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5th का 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि आप और कोई टिक करके आए हैं तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा या हो गया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। प्ले एन एक्टिव रोल इन, यदि बच्चे एक्टिव सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं तो उनका लर्निंग प्रोसेस सहज रहेगा। कुल मिलाकर हम संरचनात्मक विचार की बात करें या संरचनात्मक विचारधारा की बात करें, रचनावादी अप्रोच की बात करें, तो उसमें बहुत ज़रूरी है कि बच्चे एक्टिवली इंगेज्ड रहे हैं, बच्चे करके सीखें, अन्वेषण करें, एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेब वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगतवाद दर्शाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइगोत्स्की से संबंधित, वाइगोत्स्की की जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है वो बात करते हैं 3 type of speeches, यानी कि 3 तरह की वो स्पीच की बात करते हैं, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट एंड इनर स्पीच। हम बहुत बार ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि यदि बच्चा, जो सायना नाम की कोई बच्ची है, वो कार्य करते समय, कार्य प्रगति पर, ठीक है, स्वयं से बात करती है, तो उसके हिसाब से वाइगोत्स्की के अनुसार वो कौन सी एक बात रहने वाली है? मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्वनियमन, या फिर आत्मकेंद्रता? फ्रेंड्स, यहाँ पे डेफिनेटली आप कंफ्यूज हुए होंगे कि ऑप्शन 4 करके आए होंगे, ठीक है? जब भी हम ईगो सेंट्रिसिज्म की बात करें तो इसका संबंध सीधा सीधा फ्रेंड्स 2 से 6 वर्ष की अवस्था की यदि हम बात करते हैं तो ईगो सेंट्रिसिज्म यानी कि आत्मकेंद्रता की बात करते हैं जिन प्याजे, ठीक? तो यहाँ पे प्याजे से संबंधित कोई बात नहीं पूछी, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए होंगे और इसे करके आए होंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि स्वनियम, सेल्फ रेगुलेशन। ऐसी स्थिति में वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा खुद से, स्वयं से बात कर रहा है तो वो उसकी प्राइवेट स्पीच है, प्राइवेट स्पीच में भी वो खुद को सेल्फ रेगुलेट करता है, खुद को रेगुलेशन देता है, ठीक है, खुद का नियमन करता है, ठीक? तो ये रही एक बात। तो यहाँ पे आत्मकेंद्रता नहीं रहेगी। आत्मकेंद्रता की यदि हम बात करें तो प्याजे के अनुसार आत्मकेंद्रता वह वाक है या वह स्पीच है जब बच्चा खुद से बात करता है, सिर्फ अपने विचार को ही इम्पोर्टेंस देता है, पूरी दुनिया अपने विचारधारा के अनुसार समझ लेता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि ऑप्शन नंबर 4 करके आए हैं आप सभी तो आपके लिए वो गलत हो जाएगा, ठीक? इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। फ्रेंड्स, जब भी हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों को लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग प्रोसेस में, जब हम टीचिंग करा रहे होते हैं, बच्चों का मूल्यांकन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा एक मूल्यांकन के का लक्ष्य होना चाहिए? एवोल्यूशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, किस एम को रखते हुए हम एवोल्यूशन करते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट करके आए हैं या सही कौन सा होने वाला है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। मूल्यांकन के थ्रू हम यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट्स की कौन कौन सी ज़रूरत है, कौन कौन सी
नीड्स हैं और उनकी हम किस तरह से रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पहचान करके, ठीक, उनकी ज़रूरतों की पहचान करके उन्हें उनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरूपित किया जा सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू, जो बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाए जाते हैं तो किस पर उनको प्रतिरूपित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, यानी कि सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा गया है, लैंग्वेज किसी भी तरह की हो, जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं उनका पाया जाना किस चीज़ का एक कारण है, यानी कि कौन सा कारण है जिसके कारण वो पाए जाते हैं। तो सिंपली ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता। आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की जो आपस में इंटरप्ले होता है, ठीक है, अंतर संबंधता होती है, उसके कारण किसी व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइन, एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। रोहन नाम का कोई बच्चा है, यदि उसे चोट लग जाती है किसी एक्टिविटी में, वो रोने लग जाता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, ठीक है, लड़कियों की तरह व्यापार न करो, लड़के रोते नहीं हैं, ठीक है। यानी कि बिल्कुल क्लियरली आपको पता पड़ रहा है कि रोहन के पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह मत रो, ठीक है, लड़कियों की तरह व्यवहार नहीं करो, रोना जो है वो लड़कियों के लिए है, लड़के तो मर्द होते हैं, लड़के नहीं रोते। तो फ्रेंड्स, थोड़ी जब हमने पढ़ाई थी आपको क्लियरली हो पा रहा होगा कि ऐसी स्थिति में जब किसी लिंग के आधार पर लड़की और लड़के में भेद सुनिश्चित किया जाए तो उस अवस्था को कहते हैं यानी कि लैंगिक रूढ़िवादिता। यहाँ पे लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाई गई है, यानी कि हम बात करें रिफ्लेक्ट जेंडर स्टेरियोटाइप। स्टेरियोटाइप यानी जो सैकड़ों सालों से हमारे समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे भारतवर्ष में जो किसी लिंग विशेष के कारण लड़की और लड़के में भेद किया जाता है, तो यहाँ पे इस तरह का जो वाक्य है, इस तरह का जो स्टेटमेंट है, वह यह दर्शाता है कि लैंगिक रूढ़िवादिता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन समानता की बात नहीं हो रही। तो इस तरह का एक क्वेश्चन बिल्कुल मिलता है, हमने डिस्कस किया था अपने मैराथन क्लास में भी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बिल्कुल आप टिक कर लीजिए, सारे के सारे जो आंसर हैं आपके ऑफिशियल जो आंसर किए आने वाले हैं उससे मैच कर जाएंगे, ठीक है, एक दो को छोड़कर यदि हम बात करें तो सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट रहेंगे, आप टिक कर लीजिए। यहाँ से आप बिल्कुल सुनिश्चित हो जाइए कि CDP में आपने कितने नंबर गेन किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रगतिशील कक्षा में, यदि हम प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात करें तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना होता है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो लास्ट क्लास करी थी हमने यानी कि मैराथन, उसमें बताया था कि प्रगतिशील यदि कक्षा की बात करें, क्लास की बात करें, तो अंकों के आधार पर तो उसका कोई नामांकन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आप कौन सा करके आए हैं उनके हिसाब से ना जाके हम बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पर जाएंगे। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके दिए जाने चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। यदि आप और कोई सा करके आए हैं तो वो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि एक प्रगतिशील क्लासरूम यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यदि हम बात करें तो उसमें ज्ञान की संरचना के लिए बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए जिससे वो खुद ज्ञान को कंस्ट्रक्ट कर सकें, नॉलेज का खुद अर्जन कर सकें या सृजन कर सकें, ठीक है। तो 10th का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 11वां क्वेश्चन। ये रहा 11वां क्वेश्चन की यदि हम बात करें, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लव बायगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, यानी कि कोई एक टीचर है, उसने एक गतिविधि कराई, वो एक्टिविटी करा रही है और ऑब्जर्व करती है बच्चों की कैपेबिलिटी, बच्चों की रुचि, इंटरेस्ट को देखते हुए उनको कुल मिला के सहयोग प्रदान करती है, क्या, क्यों, कैसे आदि, जिसके थ्रू बच्चे आगे
अपनी गतिविधि में इंगेज कर पाते हैं, खुद को सक्रिय महसूस कर पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो लव वाइगोत्स्की के अनुसार यदि हम बात करें उनके सिद्धांत के अनुसार, तो यहाँ पे एक टीचर जो सहयोग दे रही है, जो क्या क्यों कब जैसे आदि वाक्यों से उनको इनक्रेजमेंट प्रदान कर रहे हैं, तो उनके सिद्धांत के अनुसार ये एक क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उनके सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करें तो उनके सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे हो जाएगा ये अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना काम करेगी, यानी कि स्कैफोल्डिंग की बात हो रही है। इस तरह की सहयोग, इस तरह की कोऑपरेटिव टीचिंग या कोऑपरेटिव लर्निंग या सहयोग की यदि हम बात करें, कोई एक टीचर बच्चों को इस तरह से टेम्परेरी रूप से कुछ सहयोग कर रही है, तो वहाँ पे वाइगोत्स्की के अनुसार उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्ट एज ए स्कैफोल्ड लर्निंग, यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बात की है ZPD, MKO एंड स्कैफोल्डिंग की। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, 12वां क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यदि हम सोशलाइजेशन की बात करते हैं, समाजीकरण की बात करते हैं, बच्चों का समाजीकरण होता है, ठीक है, उसके लिए कौन सा एक सही है। फ्रेंड्स देखिए, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। मैंने बताया था मैराथन में कि परिवार जिस भी ऑप्शन में आ जाए वो द्वितीय कारक बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यानी कि सेकेंडरी जो एजेंसी है वो नहीं होगी, ये फर्स्ट है, इसलिए ये ऑप्शन हट जाएगा। सेकंड की बात करें, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, बिल्कुल करेक्ट है, विद्यालय द्वितीय कारक है समाजीकरण का और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, और सभी को पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है, बिल्कुल नहीं, विद्यालय प्राथमिक कारक नहीं, क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली में आएगा, परिवार में आएगा, तो उसके समाजीकरण का प्राथमिक कारण उसका फैमिली। ठीक है, लेकिन यहाँ पे विद्यालय, विद्यालय तो बच्चा 5 और 6 साल के बाद जाएगा, इससे पहले बच्चे का समाजीकरण हो गया होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 भी हट गया, 3 भी हट गया। ठीक है, टिक की बात करें जो करेक्ट है वो 2 है, बिल्कुल निश्चित। ठीक है, ये हो गया। 4th की बात करें, 4th को भी रीड कर लेते हैं। 4th की बात करें, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है, परिवार द्वितीय कारक कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ये जो हम आंसर की कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं इसके थ्रू, तो फ्रेंड्स ये आपके ऑफिशियल आंसर किसे मैच कर जाने हैं। एक दो क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो वो तो आउट हो सकता है, अदरवाइज ये सारे के सारे आंसर आपको आपके ऑफिशियल आंसर की में मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है, यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फेसाइज दैट, जो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किस बात पर जोर देता है। फ्रेंड्स यहाँ पे सारे ऑप्शन आप पढ़ लिए, आप पेपर अटेम्प्ट करके आए हैं तो आपने सारे के सारे पढ़े हैं। अब यहाँ पे हम करेक्ट की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि बुद्धिमत्ता के विभिन्न दशाएँ। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में जो बुद्धि की बहुत सारी दशाएँ बताई हैं, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की बहुत सारी फॉर्म्स बताई हैं। ठीक है, वहाँ पे जो बात करते हैं एट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की, तो और सारे ऑप्शन की बात करें तो वो सभी हट जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, लॉरेंस कोहलबर्क के सिद्धांत के अनुसार। फ्रेंड्स लॉरेंस कोहलबर्क का जो सिद्धांत है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो इनके सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। उन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं फ्रेंड, 3 लेवल बताए हैं, अवस्थाओं की यदि हम बात करें तो 6, ठीक है, लेकिन लेवल की बात करें तो 3 लेवल बताए हैं। 3 लेवल में हो गया फ्रेंड्स, यानी कि पहला प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल, तो तीनों ये अवस्थाएं बताई हैं। पहले आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। उन्होंने 3 अवस्थाएं बताई हैं, ठीक है, प्रत्येक अवस्था में 2-3 लेवल हो गई है, ठीक है, तो ये हो गए 3 चरण, क्लियर, 3 चरण में, प्रत्येक चरण में 2 अवस्थाएं बताई हैं, इसलिए
छह अवस्थाएं हो गई। तो यहाँ पे अवस्था नहीं पूछे, नैतिक विकास के कौन सा एक चरण है, सिंपल पूछा है। कभी कभी अवस्थाओं के बारे में पूछ लेता है, कभी कभी चरण। तो कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो कार्य को इसलिए करना पसंद करता है, वो कार्य को इसलिए करना पसंद करता है क्योंकि उसे दूसरे स्वीकृति देते हैं, दूसरे मतलब उसके पेरेंट्स, उसके एल्डर्स कहते हैं कि बेटा ऐसा करना चाहिए, आपको अपने बड़ों का सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उसके पैर छूने चाहिए आदि, वो इसलिए करता है। तो क्लियरली लॉरेंस कोहलबर्ग की थ्योरी आपने पढ़ी थी, मैंने डिस्क्राइब किया था। तो वहाँ पे जब भी हम बात करें, ये इस तरह की कॉन्वेंशनल स्टेज होती है, कॉन्वेंशनल स्टेज मतलब ये एक चरण है यानी कि परंपरागत। इस अवस्था में बच्चे अपने पेरेंट्स की जो भी समाज में नैतिक होते हैं, एथिक्स होते हैं, मूल्य होते हैं, उनके अनुसार चलता है, ठीक है, यानी कि वो अच्छा लड़के लड़का बनने की कोशिश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें, यह हो गई उसकी बच्चे की प्रथागत यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, जो दूसरी कन्वेंशनल स्टेज है, ठीक है, बच्चे का ये दूसरा चरण हो गया। पहले की हम बात करें तो पूर्व परंपरागत नैतिकता, लेकिन यहाँ पे परंपरागत नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स ये जो सेशन लंबा जा रहा है इसलिए जा रहा है क्योंकि हम आंसर की के साथ साथ क्वेश्चन को डिस्कस भी कर रहे हैं। बाकी सब की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स सिर्फ आपको आंसर की बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, डेवलपमेंट के संदर्भ में यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे विकास बहुआयामी होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। क्लियर, विकास जो होता है विभिन्न चरणों में होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। लव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है, किस चीज़ पर जोर देता है वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो देता है सांस्कृतिक उपकरण यानी कि कल्चर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। बाकी सब की बात करें तो वो सब हट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा फास्ट चलेंगे। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को, जो संज्ञानात्मक संरचना होती हैं उनको प्याजे ने क्या कहा है, तो फ्रेंड्स प्याजे ने उसको स्कीमा या फिर मनोबंध कहा है। इंग्लिश में बात करें तो स्कीम्स होता है, और इंग्लिश में हिंदी में भी स्कीमा लिखा जाता है, यहाँ पर मनोबंध कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 18 की यदि हम बात करें, जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण कौन सा होता है, पूर्व संज्ञानात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज की यदि हम बात करें 2 से 7 वर्ष की अवस्था, तो उसका कौन सा एक विशेषता रहेगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि विचार सोच में विकेंद्रीकरण यानी कि सेंट्रेशन इन द थॉट, विचारों में विकेंद्रीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है, यानी कि RPW एक्ट की यदि हम बात करें तो उसके लिए कौन सी एक शब्दावली करेक्ट रहेगी, तो छात्र जैसे शारीरिक दिव्यांगता है। फ्रेंड्स हम विकलांग, यदि हम PWD एक्ट की बात करते हैं तो उसमें विकलांग तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते, छात्र जिसका आसक्त शरीर है ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते। वहाँ पे हम बात करते हैं स्टूडेंट विद फिजिकल डिसएबिलिटी, ठीक है, यानी कि बच्चे की दिव्यांगता के बारे में बात करते हैं, हम विकलांगता के बारे में बात नहीं करते। तो यहाँ पे 4th बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन की यदि हम बात करें, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास क्रम में चलता है, यदि हम बच्चे के जन्म से लेकर उसके डेवलपमेंट की स्टेजेस की बात करें तो कौन कौन सी स्टेज रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेंसरी मोटर होती है, उसके बाद कॉन्क्रीट होती है एंड एब्स्ट्रैक्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे प्याजे की जो स्टेजेस हैं वो दे रखी हैं 3, प्याजे ने वैसे तो 4 अवस्थाएँ दी हैं लेकिन यहाँ पर 3 हैं, तो इसलिए 2nd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। सबसे पहले सांवेदिक मूर्त, फिर अमूर्त, ठीक है, तो 2nd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर
21 एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, जो प्रोग्रेसिव क्लासरूम है उसमें किस तरह से किसी बच्चे के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को देखा जाना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना जो बनाते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। किसी बच्चे में प्रत्येक बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, तो वो टीचर यानी कि उनके अध्यापक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने अध्यापन अधिगम प्रक्रिया जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी जो योजना प्लानिंग बनाई जाती है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके अनुसार ही एक टीचर अपनी प्लानिंग करता है कि किस तरह से अपनी टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाए और बच्चों को वो सिखा सके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब बेशक कोई सा करके आया हूँ लेकिन ये बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए, समावेशी शिक्षा में किस चीज़ पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। प्रत्येक बच्चे में अपनी अलग रुचि अपनी कैपेबिलिटी होती है, उसके अनुसार उस सामर्थ्य उस शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रत्येक बच्चे को अपॉर्चुनिटी दे जानी चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 23वां क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी होती है किसी भी बच्चे में, ठीक है, उनको किस तरह से हम सुसाध्य बना सकते हैं, किस तरह से सुधार सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया, नहीं ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि आप ऑप्शन नंबर थ्री करके आए हैं तो बिल्कुल गलत रहेगा, इसके साथ साथ फर्स्ट और सेकंड करके आए हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो बिल्कुल सटीक आंसर है वो रहेगा फोर्थ, यानी कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। ठीक है, यानी कि इनक्रेजिंग यूज ऑफ एनालॉगीज। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बच्चों के लिए हम समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकते हैं जिसके थ्रू वो समस्या समाधान जो कैपेबिलिटी है एबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 24 24वां क्वेश्चन, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स नहीं वाला क्वेश्चन आ गया, यानी कि अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतें, यदि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अधिगम में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो उनके लिए एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट। असेसमेंट और पेडागोजी, यदि हम शिक्षा शास्त्र की बात करें तो उनका जो असेसमेंट आकलन का तरीका है वो एक बिल्कुल रिजिड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, जो आकलन की प्रक्रिया है वो संरचनाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, जटिल नहीं होना चाहिए, सहज होना चाहिए जिससे बच्चे कठिनाइयों से नहीं जूझ सकें। बाकी सभी हम यूज करेंगे तो बच्चे कठिनाइयों से यदि जूझ रहे हैं तो उनमें हेल्प मिलेगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 25वां क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ क्रिएटिविटी। फ्रेंड क्रिएटिविटी से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए यहाँ भी पूछा गया था तो आप कौन सा करके आए हैं। ठीक है, यानी कि असतर्कता, कम परिज्ञानता यानी कि बोधगम्यता, या फिर अपसारी चिंतन, या फिर अतिसक्रियता हाइपर एक्टिविटी। अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स। 25वें का यानी कि क्रिएटिविटी की हम बात करें, सृजनात्मकता की बात करें फ्रेंड्स, लास्ट सीटेट एग्जाम होने से पहले जितने भी हमने सेशन किए हैं, क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसमें मैंने क्रिएटिविटी से संबंधित चार चीज़ें बताई थी। किसी भी बच्चे में जो क्रिएटिव है उसमें चार विशेषताएं बिल्कुल रहती हैं, FFOE। ठीक है, इसके साथ साथ बच्चे का जो चिंतन होता है वो डाइवर्जेंट होता है, यानी कि अपसारी होता है, वो डिफरेंट अलग अलग दिशाओं में सोचता है। यदि FFOE की बात करें तो फ्लुएंसी रहेगी उसके विचारों में। ठीक है, फ्लुएंसी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मौलिक विचार रहेंगे यानी कि ओरिजिनलिटी रहेगी, इसके साथ एलोबरेशन, वो प्रत्येक चीज़ को व्याख्या करके सोच पाएगा। ठीक है, इन चारों के साथ साथ उस बच्चे का
जो चिंतन है वो अपसारी रहेगा, ठीक है, अभिसारी नहीं रहेगा, अति सक्रियता नहीं रहेगी, यानी कि हाइपर एक्टिव एक्टिव वो बच्चे नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, 140 वाले बच्चे, 140 जो IQ है उससे ऊपर वाले बच्चे सभी क्रिएटिव रहेंगे, ऐसा कहना भी बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है। जिन बच्चों की IQ 140 से कम है वो भी बच्चे क्रिएटिव हो सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें अपवाद हो जाती हैं। क्वेश्चन के अनुसार यदि हम जाएं तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 26। ये रहा 26वां क्वेश्चन। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को, यानी कि इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड आ टीचर शुड, क्योंकि हमारा हमारी इंडिया की यदि हम बात करें तो विविध पृष्ठभूमि है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, अलग अलग पृष्ठभूमि के स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में, उनको संबोधित करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सा एक आप ऑप्शन टिक करके आए हैं और कौन सा एक सही है, यानी कि ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणा को मजबूत करें, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, ऑप्शन को पूरा पढ़िए, टालनी चाहिए, टाल कैसे सकते हैं, यदि होता है यहाँ पे उनसे संबंधित डिस्कशन करना चाहिए तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट भी हट गया, सेकेंड भी हट गया, नेक्स्ट चलते हैं 3। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, मे बी ये सही हो सकता है, या फिर सभी के लिए मानकीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि ड्रॉ एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यानी कि अलग अलग पृष्ठभूमियों से संबंधित हमें ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जिससे बच्चे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को समझ सकें, वो भी यह महसूस कर सकें कि हम जिस तरह से विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं, इसी तरह से हमारी सोसाइटी में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बहुत सारे मॉडल्स हैं, हमारे आइडियल्स हैं, ठीक है। तो ये जो विविधता है वो हमारे कंट्री में पाई जाती है, इसलिए हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो 26 का 3rd बिल्कुल करेक्ट रहेगा। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स बार बार और कई बार मैं ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि बच्चे यदि त्रुटि एरर करते हैं अपने सीखने में, सीखने से संबंधित लर्निंग में, लर्निंग प्रोसेस में, तो उसको एक टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए सबसे पहले, तो उसके साथ साथ उसे एक सोर्स के रूप में लेना चाहिए कि बच्चे यदि त्रुटि कर रहे हैं तो वो सीख रहे हैं, एक सकारात्मक रूप में लेना चाहिए। बच्चे यदि त्रुटि करते हैं तो उन्हें इस तरह से हतोत्साहित नहीं कर सकता कोई भी टीचर कि बच्चे गलती कर रहे हैं तो वो नहीं सीख सकते, नहीं, बच्चे सीखने की तरफ अग्रसर हैं, ठीक है। तो त्रुटियों को विश्लेषण करना चाहिए, बच्चे क्यों गलती कर रहे हैं, फिर अपने टीचिंग में कोई भी एक टीचर सुधार कर सकते। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, तो ऐसा क्यों करना चाहिए, विश्लेषण क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3rd बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। यदि हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसके अनुसार हम अपने प्लानिंग बना सकते हैं, बच्चों को समझ सकते हैं बच्चे क्यों गलती कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम अपने जो टीचिंग मटेरियल है उसे हम बदल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 27 का ऑप्शन 3rd बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फ्रेंड्स हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, वो पेपर 1st की डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पेपर 2 भी डिस्कस कर लेंगे, पेपर 1 में भी यदि हम बात करें तो CDP डिस्कस कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन आप करके आए हैं, कितने आपके सही बैठ रहे हैं, कितने मार्क्स आप गेन कर पाते हैं, इस आंसर की से आप बिल्कुल निश्चित कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, तो आप क्यों गलती करके आए हैं उसका एक रीज़न भी मिल सकता है, और आगे नेक्स्ट आप सुधार सकते हैं यदि आप CDP की बात करें, मनोविज्ञान की बात करें। फ्रेंड्स यदि आपका 1-2 नंबर से ये CTET रह जाता है, क्योंकि वो तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद या फिर रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है, तो नेक्स्ट के लिए वो आगे देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर
28 अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, यानी कि बच्चों के लिए जो अधिगम है उसको, उसकी जो अभिप्रेरणा है, बच्चों को किस तरह से अभिप्रेरित कर सकते हैं अधिगम के लिए, सीखने के लिए। ठीक है, तो सारे के सारे ऑप्शन में से यदि हम बिल्कुल सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, यानी कि फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, बच्चों के लिए ऐसे गोल निर्धारित करें जिस पे, जिससे वो प्रवीणता अभिमुखी बन सकें, बच्चे मास्टरी कर सकें, जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी कॉन्सेप्ट को हम उसे करा रहे हैं उसे इतनी अच्छी तरह से समझ सके बच्चा, क्योंकि वो उसका उसमें प्रवीण हो जाए। ठीक है, तो यदि बच्चे के लिए लक्ष्य पहले से निर्धारित होगा तो वो इंटरनली मोटिवेटेड रहेंगे, आगे बेहतर तरीके से सकारात्मक रास्ते में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं 29वां क्वेश्चन, सेम यानी कि शर्मिंदगी, शर्मिंदगी से क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन हाँ यहाँ पे आया है, शर्मिंदगी का कुल मिला के कौन सा एक प्रभाव पड़ सकता है एक स्टूडेंट पे, शर्मिंदगी के भावों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यदि हम शर्मिंदगी की बात करें, सेम की बात करें, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, यहाँ पे 3rd ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि यदि कोई बच्चा बहुत ही साई है, बहुत ज़्यादा शर्माता है, वो किसी भी क्लास एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक है, या फिर पीछे बैठता है क्लास रूम में, लाउड रीडिंग नहीं करता, ठीक है, उसे बहुत सारी चीज़ों से शर्मिंदगी महसूस होती है, तो ऑब्वियस है कि उसके संज्ञानात्मक पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे 29वें का 3rd ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, निम्न में से अध्यापन अधिगम को सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, अध्यापन और अधिगम का सबसे जो प्रभावशाली माध्यम है वो कौन सा है, अनुकरण, नकल को दोहराना बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि इमिटेशन एंड रिपीटेशन, इमिटेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, विषय वस्तु को यंत्रवत, रोट मेमोराइजेशन तो बिल्कुल नकारात्मक है, हम पढ़ाते समय, टीचिंग करते समय चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में इन चीज़ों को नकार देते हैं, यानी कि बच्चे को अनुकरण नहीं करा सकते, बच्चे को नकल नहीं करा सकते, बच्चे को रोट मेमोराइजेशन नहीं करा सकते, इसका रीज़न है क्योंकि बच्चे एक्टिवली इंगेज नहीं रहेंगे, सक्रिय भागीदारी नहीं रहेंगे, वो ज्ञान का सर्जन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ वो रट सकते हैं, लेकिन हमें बच्चों को रट्टू तोता नहीं बनाना, बच्चों को सिखाना है, उनके थ्रू ज्ञान का सर्जन हमें कराना है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, ऑप्शन दोनों हट गए, यानी कि 1st और 2nd बिल्कुल हट जाते हैं, संकल्पना के बीच संबंध खोजना या फिर बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, ऐसा कैसे हो सकता है, यदि हम बच्चों का अवलोकन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं और उसका विश्लेषण ही ना करें तो बच्चों में हम सुधार कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ऑप्शन जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा संकल्पना के बीच संबंध, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, बच्चों के कॉन्सेप्ट, बच्चों ने जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं उनके बीच संबंध होना चाहिए, बच्चों के जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट हैं वो रहें और उनके बीच संबंध प्रतिस्थापित करें। ठीक है, ये एक टीचर का दायित्व है, तो जो अध्यापन अधिगम है वो सुचारू रूप से चलेगा, यानी कि सबसे प्रभावशाली जो माध्यम है संकल्पना के बीच संबंध, यदि हम खोजते हैं, बच्चे अपने कॉन्सेप्ट बनाते हैं, प्रत्येक बच्चा अपने अपने अलग कॉन्सेप्ट बनाएगा, यदि हम उन कॉन्सेप्ट में पाठ्यक्रम पाठ्य वस्तु के थ्रू उसे जोड़ते हैं, अंतर संबंध प्रतिस्थापित करते हैं, तो ये सबसे प्रभावशाली माध्यम रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस किया, जिसमें हमने CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी डिस्कस किया, ये जो पेपर हम डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स ये था 31 जनवरी, अभी जो कल देकर आए हैं 31 जनवरी को, तो फ्रेंड्स इसमें से आपके कितने सही होते हैं इस आंसर की के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं, कौन सी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई अभी भी, यानी कि 30 में से कितने आपके मार्क्स बिल्कुल सही हैं, कितने मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, तो हमें बता सकते हैं कमेंट में। इसी के साथ मैं SPF से विदा लेता हूँ, नमस्कार।